भारत का डंका जिस तरह से पूरी दुनिया में बज रहा, वो साफ दिखा रहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ा। कई देशों की हेडलाइन तो भारत के नाम से छपती है और पीएम मोदी की तस्वीर से शुरू होती है। अब देश डिजिटल इंडिया की राह पर तेजी से आगे बढ़ा। भारत में शुरू हुए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की चर्चा दुनिया भर में हो रही। इसमें सबसे सफल प्रयास रहा भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। देश के ज्यादातर लोग अब कैश छोड़कर डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ चुके। इसी कड़ी में भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका बज रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी यूपीआई की सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। इसका मतलब ये कि अब भारत में तैयार किया गया यूपीआई विदेशों में बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होगा। बता दें, दुनिया के कई बड़े देश भारत में यूपीआई की सफलता की बात करते आ रहे। कई बड़े देश यूपीआई के तर्ज पर अपने पेमेंट सिस्टम को तैयार कर रहे। ऐसे में यूपीआई से जुड़ी एक और खबर सामने आ गई है। सोमवार यानी 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस के लिए यूपीआई सर्विस लॉन्च कर देंगे। यूपीआई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाने की दिशा में ये अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई के साथ साथ रुपए कनेक्टिविटी भी बढ़ा दी जाएगी, जो आने वाले सालों में भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। अब सवाल तो ये कि भारत की इस पहल से क्या फायदा होगा। तो बता दें कि श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस शुरू होने से भारत के साथ साथ दोनों ही देशों के पर्यटकों को भी बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा यूपीआई की सेवा शुरू होने से पर्यटकों को ट्रांजेक्शन करने में काफी मदद मिलेगी। इस लॉन्च से दोनों तरफ के लोगों को सीमा पार भी डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही इन देशों के साथ भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए आरबीआई ने लिखा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, मॉरिशस के पीएम और श्रीलंका के राष्ट्रपति 12 फरवरी को दोपहर 1 बजे यूपीआई और रुपए के ऐतिहासिक लॉन्च के साक्षी बनेंगे। बता दें, पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया भर में फिनटेक सेक्टर में नई बुलंदियां छू रहा। श्रीलंका और मॉरिशस से पहले हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर पर भी यूपीआई की सर्विस लॉन्च की जा चुकी है। फ्रांस इस सेवा को धीरे धीरे अपने पूरे देश में लागू करने वाला है। डिजिटल इंडिया के मद्देनजर शुरू किए गए यूपीआई से लाखों लोग पैसों का लेन देन सिर्फ एक क्लिक से कर पाएंगे। खास बात तो ये है कि हर महीने ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में बढ़त देखने को मिल रही है और इस बार तो यूपीआई ट्रांजेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार आगे बढ़े भारत के इस कदम पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।